हेलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप सी सी बी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है तो दोस्तों अगर आप सी सी बी ए हैं और सी सी आई डी मिला हुआ है और आप जितने दिन से काम कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं अगर आप नए भी ए और आप माइक यदि आप डी जी पे से लेन देन करते हैं और आपका दुकान पर यदि माइक्रो एटीएम की वजह से आपके ग्राहक रिटर्न चले जाते हैं तो दोस्तों अभी सी तरफ़ से बहुत सस्ते में माइक्रो एटीएम मिल रहा है और अभी मिस ना करें बहुत जल्दी से इसमें आप परचेज़ कर ले तो बहुत आपको बेटर होगा तो दोस्तों आपको क्या करना है डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको लॉगिन करना है लॉगिन होने के बाद आपको सी बाज़ार में आपको चले जाना है सी बाज़ार जैसे जिस सर्विस को सर्च करते हैं उसी सी बाज़ार में जाने के बाद इस तरह डैशबोर्ड आएगा नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो ए टी पर से जैसे टी शर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं और मास्क भी ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत से भीले ऐसे सोचते हैं कि मैं यहाँ से ऑर्डर करूँगा तो क्या मेरा पार्सल आएगा कि नहीं आएगा तो दोस्तों मन में ऐसा कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है मैं कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे मैं ऑलरेडी मंगा चुके हैं दोस्तों मैं दो बार इसमें परचेज किए हैं और मेरा डिलीवर बड़ी आसानी से हो गया चाहे आप जिस भी कोने से हो आपके एरिया में जो बाय पोस्ट और तब पोस्ट ऑफिस होते हैं वो आपका वहाँ से पार्सल कर देता दोस्तों देखिए जो मैं मेन बात बताने जा रहे थे वो है माइक्रो ए और देखिए माइक्रो ए में ज़्यादा भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है बिजली का बहुत सस्ते में है बस ट्वेंटी वन हंड्रेड जो क्योंकि इक्कीस सौ रुपया पड़ रहा है वो माइक्रो एटीएम के लिए परचेज़ करने के लिए और जो भी एलिए अभी तक परचेज नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द अपना परचेज़ कर ले और इसमें भी अच्छे हम कमीशन दिए जाते हैं दोस्तों इसमें कमीशन बहुत बेटर है बहुत मस्त है एक से दो दिन के अंदर में आपका जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं और जिसे आज दिन भर जितना भी ट्रांजेक्शन है नेक्स्ट दिन में आपको दे दिया जाए तो दोस्तों यहाँ से आपको सिंपल से यहाँ सिर्फ आपको नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है दोस्तों उसके बाद जो आप सी ए वैलेट से आपको पेमेंट करना है सो सी ए वैलेट से ही आपको पेमेंट करना है और यहाँ पेमेंट होने के बाद आपके पास एक रिसीविंग आएगा दोस्तों वो आपको भविष्य के लिए स्टेटस चेक करने के लिए वो आपको रख लेना है ताकि कल हो के आपका डिवाइस वगैरह नहीं आता तो आप ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों हंड्रेड परसेंट उसके भी आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों तो मैं खुद से मंगाए हुए हैं और ये और यदि डिवाइस मंगा लिए आपको सेटिंग करना नहीं आता है और आपको चलाना नहीं आता है तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बना देंगे और ऐसे भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है आप चाहें उसको विजिट करके आप देख सकते हैं और दोस्तों इस इस मशीन में आज तो मैं एक वर्ष से ज़्यादा हो चुका है लेकिन अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और बड़ी आसानी से एकदम स्मूथली काम करता है कोई दिक्कत नहीं होता सिर्फ़ और इसमें कोई भी वायर वगैरह अटैच नहीं करता है ये सिर्फ ब्लूटूथ के माध्यम से इसमें कनेक्ट होता है तो डिवाइस चलाना बहुत आसानी है और इसमें यदि आपके पास डिवाइस नहीं है तो जल्द से जल्द अपना डिवाइस ऑर्डर कर लें और इसके वजह से आपके ग्राहक आपके सेंटर पर रिटर्न आते हैं तो दोस्तों ये सब गलती आपको नहीं करना है देखिए दोस्तों जैसे मैं ऑर्डर किए हुए हैं और मैं अठारह जून दो में ही इसका ऑर्डर किए हैं माइक्रो ए और मैं एक साल से ज़्यादा करीब मेरा एक साल ट्रैक्ट हो चुका है और दो तीन दिन से ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है देखिए मैं आपको आप स्टेटस भी चेक करके दिखा देते जब भी ऑर्डर करेंगे कोई भी चीज़ दोस्तों सी सी बाजार से तो आपका इसमें आपको दिखाई देगा और कभी भी चेक कर सकते हैं और ऐसे बहुत से भी हेली बोलते हैं कि यदि आपका डिवाइस वग़ैरह ख़राब निकल गया तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं सी सी के माध्यम से उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको दोबारा से फिर मशीन ये तीन महीने के लिए वारंटी भी आता है और तीन महीने के अंदर में कोई सा प्रॉब्लम हुआ है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं और Or... इक्कीस सौ रुपये को खास नहीं है दोस्तों डिवाइस के मामले में मानते हैं कोई दूसरे एपीएस वगैरह लेते हैं तो आपको पंद्रह सौ सोलह सौ इस तरह करके डिवाइस में दे दिया जाता है दोस्तों देखिए दो सौ चार सौ आपको नहीं देखना है सी सी में यदि आपको ये डिवाइस का थोड़ा लग रहा है प्राइज कुछ ख़ास भी नहीं है ऐसा नहीं है कि तीन हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार इस तरह का परचेज करने में बहुत से ज़्यादा पैसा लग रहा है तो डिवाइस का जिस हिसाब से डिवाइस है उस हिसाब से रेट इसका बहुत मस्त है कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों एक बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और भविष्य में यदि आप इस डिवाइस को यूज़ करते हुए कुछ काफ़ी दिन हो गया और आप समझ रहे कि खत्म ख़राब हो गया तो दोबारा से मांगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं दोबारा से भी यदि खराब हो गया तो दोबारा से भी परचे कर सकता है ऐसा नहीं कि एक बार भी खरी, खरीद ख़रीद लिया है तो दोबारा से वो आपको सी एस बाजार के माध्यम से वो नहीं ले पाएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और देखिए ये एस बी माइक्रो एटीएम ये सिर्फ एस का जो सी चलाते हैं सिर्फ उसी के लिए ये भी बिल्कुल नहीं मंगाना ऐसा नहीं मंगा करके आप गलती करें और रिटर्न करने का चांस बहुत कम ही रहता है आपका रिटर्न होगा या नहीं होगा इसका जिम्मेवार आप खुद बनेंगे